प्रणाम जनता को करें, आज पर्यावरण दिवस है। आज जितने नगर पंचायत में हम लोग पेड़ लगाए और ये सभी परिवार को कहा जा रहा है कि आके पेड़ लगाइए और स्वच्छ रखिए, सांस लेने में प्रॉब्लम रही। आज एसी कूलर फ्रीज 50,000 के घर में लगा दे रहे हैं, एक पेड़ लगाइए और सांस स्वस्थ लीजिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण दिवस पर? मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि जैसे ये एक बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी तरह एक पेड़ आप उनके नाम से लगवाइए और स्वस्थ रखिए और सांस लेने की हर समस्या से दूर रखिए। पहले तो पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूँ। और पर्यावरण दिवस पर हम लोग एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि अपने और अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से अगर प्रेम है तो पेड़ लगाएं और स्वच्छ सांस तभी मिलेगा जब पेड़ पौधा बचे रहेंगे। पहले तो पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूँ। और पर्यावरण दिवस पर हम लोग एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि अपने और अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से अगर प्रेम है तो पेड़ लगाएं और स्वच्छ सांस तभी मिलेगा जब पेड़ पौधा बचे रहेंगे। सभी को अभिनंदन, नमस्कार। पर्यावरण दिवस एक ऐसा है पेड़ पौधा कि अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। धीरे धीरे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलना, गर्मी लेना, इतना अभी से ही हम लोग देख रहे हैं। तो अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये नहीं चल पाएगा, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। हम लोग सभी मनुष्य को यह संकल्प लेना होगा कि कम से कम 2 पौधा पेड़ जरूर लगाएं और उसको सुरक्षा करें जब तक कि वह बड़ा ना हो जाए। जिस तरह एक बच्चे को हम लोग पाल पोस कर उसको जीने के लायक बना देते हैं, उसी तरह पेड़ को भी रहे, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और इसके लिए एकदम हमने मन से, तन से एकदम शपथ ग्रहण लेना होगा कि हमें पौधा लगाना है तो लगाना, औपचारिकता नहीं करना होगा, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। हम लोग एकदम विनती कर रही है कि कृपया पेड़ पौधों को ना काटें और यह संकल्प लें कि पेड़ पौधा जरूर लगाएं, अपने बाल जैसे बच्चे को पालते हैं उस तरह पालें। यही मानवाधिकार अपेक्षा करती है हर जनता से।